सस्पेंस में मैंने भी कुछ लोगों के रिव्यूज देखे थे, उन्होंने बोला था कि इतने में सुना था रानीगंज नहीं ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि इस मूवी में आपको कहीं आप उठ के चले जाए। आई थी ओ माय गॉड जी, और उसके बाद एक के बाद एक मूवी दे रहे अक्षय कुमार, क्या तो ये मूवी लगी हुई है रानीगंज। क्या आपने इससे पहले कभी रानीगंज के बारे में सुना है? नहीं सुना तो हम आपको बताएंगे। रानीगंज एक रियल स्टोरी है और यहाँ पर हम देखते हैं तो भीड़ ही नहीं है। यहाँ पर देखिए समय, देखिए 10:05 हो चुकी हैं और यहाँ पे अभी भीड़ ही नहीं आई है। तो और ऑनलाइन दिखा रहे हैं कि थिएटर भरे हुए हैं, तो ये क्या है? चलो तो लोगों से कुछ जाकर रानीगंज मूवी आप देखने के लिए आए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है रानीगंज मूवी से? अच्छी होगी। क्या आपने इससे पहले इसके बारे में सुना था रानीगंज? नहीं। ये एक रियल स्टोरी के ऊपर मूवी बनी हुई है, आपको मालूम है? नहीं। तो बस अक्षय कुमार को आप देखने के लिए आए? नहीं, स्टोरी समझने के लिए। स्टोरी समझने के लिए आए, तो इससे पहले आपको मालूम नहीं था रानीगंज क्या है? तो चलो अंदर चल के पता चलते हैं कि क्या है रानीगंज। आप सुना था? नहीं नहीं, इसके ट्रेलर के बाद ही सर्च किया है। अच्छा, इसके ट्रेलर के बाद? हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है, अभी एक डेढ़ महीने पहले मूवी आई थी ओ माय गॉड जी, और उसके बाद एक के बाद एक मूवी दे रहे हैं अक्षय कुमार, क्या उम्मीद है मूवी से आपको? भैया मूवी की जो ट्रेलर देखने के बाद सर्च किया था, लेकिन जो आपने ट्रेलर देखा था उसको देख करके क्या लगता है? मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी है। और उसके अलावा आपको पता पड़ेगा कौन कौन से हीरो हीरोइन है? अक्षय कुमार है, तो मैं अक्षय कुमार को ही जानता हूँ और कुछ नहीं। तो चलो गए अंदर चलते हैं और पता करते हैं फिर आगे की स्टोरी। तो अभी हम मिले हैं भैया से, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका एक चैनल है जिसका नाम है बॉलीवुड ड्रॉप, और ये मूवी रिव्यू लेते हैं और हमसे ज़्यादा बहुत अच्छी जानकारी है, तो ये हमें मूवी के बारे में कुछ बताएंगे। तो आप ये माइक पकड़िए और हमें मूवी के बारे में बताइए। आपने ट्रेलर देखा होगा? ट्रेलर तो बहुत अच्छा है इसका, मतलब अक्षय कुमार के लगातार कुछ रिकॉर्ड इस साल भी अच्छे नहीं रहे, मुझे लगता है ये वाली मूवी हिट होने वाली है, क्योंकि मूवी के अंदर सस्पेंस है, ड्रामा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जो है जसप्रीत सिंह गिल, उनके ऊपर ही कहानी बताई गई है। और ट्रेलर को देखकर साफ साफ लग रहा है कि मूवी में काफ़ी टेंशन का माहौल होने वाला है और प्लस सस्पेंस है, और सस्पेंस में मैंने भी कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे थे, उन्होंने बोला था कि इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि इस मूवी में आपको कहीं आप उठ के चले जाएँ। लोग बता रहे हैं कि मैं टॉयलेट आ रही, मैं तभी सीटों पर बैठा हुआ हूँ। तो यानी कि जो एक मूवी आई थी 2.0 जी, उस मूवी के अंदर भी यही था कि लोगों की आंखें बिल्कुल सिनेमा स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, तो वैसे ही होने वाला है? बिल्कुल वैसे ही होने वाला जैसा बाहुबली के अंदर हुआ है, जैसा कि गदर पिक्चर के अंदर हुआ है, जैसा कि बाकी मूवीज़ के अंदर हुआ है, सेम चीज़ इस मूवी के अंदर भी होने वाली है। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहा हूँ, टिकट मैंने पहले इसलिए खरीद लिया। अच्छा भैया, हमारे दोस्त हैं तो हमारी भी टिकट इसी में।